15 साल की शादी के बाद आमिर खान और किरण राव ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया है। आमिर और किरण ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किया है कि अब दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। दोनों अब अपनी जिंदगी को पति पत्नी के बजाय अलग अलग जिएंगे। यह खबर दोनों के फैंस के लिए चौंकाने वाली है। आमिर खान और किरण राव ने अपने स्टेटमेंट में लिखा, इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और खुशी के शेयर किया है। हमारा रिश्ता सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है। अब हम दोनों अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले एक अलग होने के प्लान को शुरू किया था। हम दोनों अलग अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह शेयर करेंगे। हम अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिनके बारे में हम दिल से परवाह करते हैं। आमिर और किरण ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में आगे लिखा, हमारे रिश्ते में निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवारों और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बिना हम यह कदम लेने में इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपने शुभ चिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को अंत की तरह नहीं बल्कि एक नए सफर के शुरुआत के रूप में देखेंगे। धन्यवाद और प्यार, आपका किरण और आमिर। बता दें कि आमिर खान और किरण राव की मुलाकात फिल्म लगान के सेट्स पर हुई थी। किरण फिल्म लगान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। इस दौरान दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने कई फिल्में साथ मिलकर बनाई थी। किरण और आमिर का एक बेटा है जिनका नाम आजाद है और वह 10 साल का है। आजाद का जन्म सरोगेसी से हुआ था। किरण को कंसीव करने में दिक्कत होने की वजह से सरोगेसी का फैसला लिया गया था, जिसके बाद आजाद का जन्म 2011 में हुआ था। 15 साल की इस शादी में किरण और आमिर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और कई चीजों का मिलकर सामना किया है। किरण से शादी से पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की थी। 18 अप्रैल 1986 को हुई शादी करीब 16 साल तक चली थी। उसके बाद साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता से तलाक लिया था। हालांकि माना जाता है कि किरण के प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने रीना दत्ता से अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया था। रीना दत्ता संग आमिर खान के 2 बच्चे हैं, आयरा खान और जुनैद खान। उनके तलाक की खबर से बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। बता दें कि किरण राव एक बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और फिल्म निर्देशक है। अभिनेत्री अदिति राव उनकी कजिन है। राव का जन्म 7 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में तेलंगाना में है, हुआ था। उनके दादाजी जे रामेश्वर राव तत्कालीन तेलंगाना राज्य के वानपर्थी रियासत के राजा थे। किरण राव ने सोफिया कॉलेज ऑफ वुमेन से ग्रेजुएशन पूरा किया है और एजे के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मास्टर की डिग्री हासिल की है। राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के तौर पर मशहूर फिल्म लगान से की थी, जिसमें उन्होंने निर्देशक आशुतोष को असिस्ट किया था। किरण राव ने आमिर खान से साल 2005 में शादी की थी। इसके पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की थी। इसे 2002 में तलाक दे दिया गया था। तो वहीं आमिर खान बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, कई हिट फिल्में दे चुके हैं। उनके तलाक की खबर से बॉलीवुड समेत उनके फैंस आश्चर्यचकित हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।